मैंने खुद कहा था। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी ना सहरी की रूटीन इस तरह की हुई हुई है, मुझे ऐसी शॉट ख़त्म करके ना भागना पड़ता है, हुदा उठ जाती है। तो हुदा के हिसाब से मेरी सहरी चल रही होती है। आज अभी भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 3:30 हो गए, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुदा उठ गई थी तो मैं उसको सुला के दोबारा नीचे आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना बातें थोड़ी कम करते हैं और अपनी सहरी को कंटिन्यू करते हैं। सहरी में खाने के लिए है आलू मटर अंडे। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल ना मेरी सहरी बहुत डिस्टर्बेंस के साथ चल रही है, तो पता नहीं होता मैंने कब भाग के ना हुदा के पास जाना है। तो आजकल मैं बिल्कुल नहीं दिखा पा रही कि मैं क्या करती हूँ सहरी में खाने के बाद, या खाना भी पूरा सही से खाती हूँ या नहीं खाती हूँ। तो रात को भी हुदा उठ गई थी उससे पहले। काफ़ी दिनों से हुदा की सेम ही रूटीन चल रही है कि हुदा ने उठना ही उठना है, पौने तीन, साढ़े तीन, पौने चार, इस तरह से इसकी रूटीन हुई है। खैर, तो अभी फ़िलहाल हो रहे हैं 4:30। चल में चलते हैं, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। आज देखते हैं हम अपनी रेसिपी में क्या बना रहे हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और आप लोगों ने ट्राई की हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसी लगी रेसिपीज़। तो ये ज़रूर बता दिया करें कि आज की रेसिपी मैं डेली बनाने की कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बाइट्स, और ज़्यादातर हम इसको इस तरह जानते हैं KFC चिकन। तो आज हम बनाने लगे KFC स्टाइल चिकन बाइट्स। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे चिकन। अच्छा, चिकन मैंने ले लिया थाई पीस और इसको इस तरह से ना बाइट्स की शक्ल में ना थोड़ी बड़ी बाइट्स रखी है मैंने, तो इस तरह से काट लिया। और मैं यूज़ कर रही हूँ 500 ग्राम चिकन जी। अब अपनी मैरिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैं ले रही हूँ चिकन। पहले इसमें जा रहा है 2 टेबलस्पून सिरका, क्योंकि इससे यह होगा कि अच्छे से चिकन पक जाएगा जल्दी से अंदर तक। इसमें जा रहा है लहसुन पाउडर, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, और ये भी यूज़ कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें जा रहा है पेपरिका पाउडर। 1/2 टीस्पून में इसमें यूज़ कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। पिंक सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप जो लहसुन अदरक मैंने डाला है, इसका पाउडर डाला है मैंने, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस, और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ड्रॉप हॉट सॉस का। ये आप अपनी मर्जी से स्किप भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें चला गया 1 ड्रॉप हॉट सॉस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हर चिकन के जो पीस है ना उस पर अच्छे तरीके से मसाला इवनली लगाओ, तो आपको खाते हुए एक जैसा फील होगा। इसको अब हम साइड पे कर देते हैं 1/2 घंटे के लिए। अगर गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रखें, अगर ठंडा मौसम है तो इसको बस रूम टेम्परेचर पे ही ऐसे बाहर 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब जो चिकन पे हमने कोटिंग करनी है वो तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। मैदे को और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको चिकन थोड़ा और स्पाइसी चाहिए, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। बस ये दोनों चीज़ें इवनली मिक्स हो गई हैं। अब उसके अलावा मैंने एक खुले बॉल में पानी डाल लिया है, इसके लिए ये कोटिंग में हमारी हेल्प करेगा। इस करने लगे अपने चिकन की कोटिंग। इस तरह से आपने पीस लेके मैदे में पहले डिप करना है इनको, इस तरह से 3-4 पीस इकट्ठे लेके अच्छी तरह से ना इसको मैदे में रब कर लेना। कोई भी ऐसी जगह ना हो चिकन में जहाँ पे आपका मैदा ना लगाओ। तो हमने बहुत अच्छी तरह से इसको डिप कर लेना है मैदे में, और फिर इससे अगला स्टेप जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। आपने ना इस तरह चम्मच ले लेना है ऐसे, जिसके अंदर नीचे से भी पानी आ सके, उसके ऊपर रखनी है आपने अपनी ये चिकन के पीस, और इसके बाद इसको करना है पानी में डिप। अच्छी तरह से आपने डिप करना है। अब इसके बाद ये दोबारा से जाएगा, अच्छे से पानी निचोड़ लें
और इसको हम दोबारा डाल देंगे अपने मैदे में। अब इसको दोबारा से अपने हाथों से चिकन के पीस को मैदा लगाना है, मैदा और कॉर्नफ्लावर जो हमने मिक्स किया हुआ है अच्छे से कोट हो जाए। एक्स्ट्रा को झाड़ लें और ये हमारा हो गया, चिकन की कोटिंग हो गई है डन। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया ऑयल। अब इसमें जा रहा है हमारा कोट हुआ हुआ चिकन। ऑयल आपका ना बहुत अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, एक जैसी घी सब चिकन को लगेगी तो अच्छे से अंदर तक बन जाएगा। ये जितना अच्छा ऑयल गर्म होगा ना आपका, उतना अच्छा ऊपर क्रंच आएगा। टोटल इसको बनते हुए ना 6 से 7 मिनट हो गए, तो ये अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको निकालते हैं। अच्छा जी, आज की अफ्तारी में मामा के लिए फ्रूट चाट और वेजिटेबल पकौड़े, इसके अलावा सबकी फ्रूट चाट और ये पिज़्ज़े के स्लाइस। इसके अलावा जी हमने जो आज बनाया है चिकन बाइट्स, और ये हमने बनाए हैं जी ब्रेड रोल्स और साथ में राइस बॉल्स और ये दही बूंदी। तो ये है कुछ आज की इफ्तारी। कितने मिनट रह गया था? 2 मिनट। लाइका ट्राई कर रही है और अदा भी। वो मजेगा, मुझे तो तोड़ने में बहुत अच्छा लगा। बहुत खा के बताओ कैसा? बहुत मजे का। इसको खाने के लिए ना पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, केएफसी। जापान का केएफसी भी ऐसा नहीं है। इसका क्रंच वाकई बहुत फिट है, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड, बड़े मज़े का है। नाइस ट्राई। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनी थी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।